नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ माउंटेन, पहाड़ों की आवाज़। और स्वच्छता अभियान के तहत आजकल विकास खंड में कार्य चल रहे हैं। धुआंकोट में यहाँ पे सफाई अभियान चल रहा है। यहाँ पे पूरे ब्लॉक की जो है कार्यमंडली यहाँ पे पहुँची है और यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी महोदय भी पहुँचे हैं। सबसे पहले सर आपका परिचय। मेरा नाम हीरा सिंह कुंवर है और मैं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की पोस्ट पर हूँ जी। तो ये कब से और कब ये तक? 15 से लेकर 2 तक जो हमारा स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है, तो इसके लिए हम जगह जगह जा रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और साथ में लगातार अभियान चलाए हुए हैं। जी जी, कितने दिन का है या महीने? लगभग ये वैसे तो 15 दिन का है, लेकिन फिर भी ये है कि हमें लगातार इसको अपने जीवन में भी अपनाना चाहिए कि हम ताकि लोगों पर एक मैसेज जाए, इसलिए हम हर जगह पर जा रहे हैं। तो अच्छा, जैसे मार्केट वाले यहाँ पे कूड़ा डाल के फेंक देते हैं, जी जी, उनको क्या संदेश दें? इसका सबसे देखो संदेश यही है कि लोगों में यदि हम खुद कर रहे हैं, सब लोग सभी एक टीम भावना से कर रहे हैं, तो लोगों के अंदर में एक जागरूकता आएगी। और जागरूकता जब तक नहीं आएगी तो लोग इसको मतलब खुद अपनी पहल नहीं करेंगे। तो बहुत जगह ऐसी भी जगह हैं जहाँ लोगों ने खुद में इलाकों को साफ किया हुआ है। तो को भी मैं पूछता हूँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिया गुरुरानी है, मैं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी नैनीडांडा। इसी सर्कल में? जी सर, अभी नैनीडांडा मतलब हमारा पूरा। अच्छा। तो क्या कहोगे आप? मैं यही कहूंगी लोगों से कि स्वच्छता के लिए सबसे पहले हमें खुद को ही जागरूक करना है कि हम ही अगर ये चीज़ें हम गाड़ियों में जा रहे हैं, कैसे भी हम खा रहे हैं वहीं पर ही फेंक दे रहे, तो ये चीज़ें हमें अपने आप पे पहले लागू करनी है कि हम अगर कोई भी चीज़ खा रहे हैं, कोई रैपर हमारे पास है, हम उसे अपने बैग में रखें, अपने घर जाके डस्टबिन में डालें। इस तरह से हमें गली में रोडों में इस तरह से कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि जब हम जागरूक होंगे तब हम दूसरों को जागरूक कर पाएंगे। अच्छा, कूड़ादान गाँव में भी बने हैं ग्राम स्तर पे, लेकिन उसमें रोड पे हैं और गांव है नीचे को, तो ये सरकार की कैसा योजना? मैं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी हूँ प्रवेश। जो हमारा स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है 17 सितंबर और 2 अक्टूबर के बीच, स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत या हमारे जो मार्केट एरिया है वहाँ कूड़े का स्वच्छता सफाई के रूप में कार्यक्रम किया जा रहा है। हमारा स्वच्छता कार्यक्रम से मतलब ये है कि समस्त ग्राम पंचायत या उसके अंतर्गत ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतें या उसका एरिया स्वच्छ और साफ सुथरा रहे। कूड़ेदान जो आप बात कर रहे थे कि कूड़ादान गांव नीचे हैं और कूड़ेदान ऊपर हैं, वो हमारी भौगोलिक परिस्थितियों के कारण थोड़ा सा इस कारण हो रखा है। ये कूड़ेदान ऐसा होता है, जो कूड़ेदान की गाड़ियाँ हैं प्रॉपर तरीके से गाँव के नीचे नहीं जा पाती हैं, इसलिए उनको रोडों पर स्थापित किया गया है और बाकी स्वच्छता का कार्यक्रम पूर्ण रूप से भारत स्तर पर चल रहा है। पे हमारे जो काफ़ी सामाजिक सुर्खियों में भी रहते हैं हमारे पंचायत मंत्री जी सुयाल जी, ये स्वच्छता अभियान तो ठीक है, लेकिन गांव में भी काफ़ी झाड़ियां बढ़ चुकी है जिससे जंगली जानवरों का डर हो गया, इसके बारे में? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपके पहाड़ों की आवाज़ चैनल के माध्यम से भी, कि जिससे हम अपनी जनता को सीधे और सरल तरीके से मैसेज दे सकें। आपके द्वारा पूछा गया कि जो गांव में झाड़ियां हो रही हैं उसके लिए हमारे द्वारा कल विकासखंड नैनीडांडा में एक बैठक आहूत की गई थी, जिसमें सर्वप्रथम हमारे द्वारा ये निर्णय लिया गया कि जिन जिन ग्राम सभाओं में हाथी का, बाघ का, जो भी आतंक इस समय फैला हुआ है, हमारा सबसे प्रथम उसमें यही रहेगा कि झाड़ियों को पहले नष्ट किया जाए, जिससे कि ग्राम सभा के सभी रास्ते पूर्ण रूप से स्वच्छ रूप से दिख सके, जिससे कि कोई भी जनहानि होने का खतरा ना हो सके। उसके बाद हमारे द्वारा ग्राम सभा में जिन जगहों पर लाइटों की व्यवस्था नहीं है, 16 लाइटें लगाई जा रही हैं, आदरणीय दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है कि समस्त ग्राम सभा में सीधे सीधे तरीके से संपूर्ण योजनाएँ गाँव में धरातल पर पहुँची जा सके। इसके द्वारा हमारे विकासखंड के समस्त ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा आज पूर्ण रूप से सहयोग किया गया है और हमारे बीच हमारे ग्राम पंचायत कसाना पल्ला के भूतपूर्व प्रधान श्री विक्रम सिंह जी मौजूद हैं, उनके द्वारा भी हमेशा हमें सहयोग के रूप में पूरे विकास खंड में हमेशा सहयोग दिया जा रहा है और हमारे बीच हमारे प्रधान जी विक्रम सिंह जी मौजूद। अच्छा, आपने यहाँ पे सौर ऊर्जा की लाइट की बात की, कई गाँव में तो डेड पड़ चुके हैं, काफ़ी पुरानी लाइटें लगी थी, उसके बारे में कुछ योजना? उनके द्वारा भी हमें शीघ्र ही उनको मरम्मत कराई जा रही है। लगभग 90% गाँव में मरम्मत हो चुकी जा चुकी है, 10%
जो गांव है उनमें भी हमारे द्वारा दो चार दिन में मरम्मत पूरी पूर्ण रूप से कराई जा चुकी है। जैसे हमारा ग्राम सभा खुचड़ा भी रह गए, आपके यहाँ खुचड़ा में मेरे को ये लगता है कि जहाँ तक मेरे संज्ञान में है 10 से 15 लाइटें हमारे द्वारा दोबारा मंगा दी गई है मरम्मत के लिए, दो चार दिन में उनको भी शीघ्र शीघ्र सही करा दिया जाएगा। तो हमारे पूर्व प्रधान और इस क्षेत्र के सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए व्यक्ति विक्रम सिंह राव जी हैं। राव जी कैसा लग रहा है आपको ये चीजें? मेरी तो क्या बताऊँ, मेरे को तो बड़ा दुर्भाग्य है धुआंकोट में जो ये कर्मचारी मतलब ये जागरूक कर रहे हैं, तो हमको भी खुद होना चाहिए व्यापार मंडल को। देखो एक भी आदमी यहाँ पे नजर नहीं आ रहा आपको, मैं तो बराबर इन लोगों के साथ हूँ या जो भी है, मतलब जैसे सफाई कर्मचारी चाहे कोई भी काम हो मैं तो सबसे पहले हूँ। अब इससे ज्यादा क्या कहूँ मैं कि ये तो धुआंकोट की दुर्भाग्य की बात है। अच्छा यहाँ पे जैसे पालतू जानवर भी छोड़ दिए गए हैं कुछ, तो आपने ट्रक से इधर उधर कर दिए, लेकिन 3-4 अभी भी मवेशी यहाँ पे रह गए हैं, उनके बारे में मैं सोच रहा हूँ कि जब प्रशासन अनुमति दे तो हम उनको भी छोड़ के कहीं, ये तो गाँव में भी फसल को नष्ट कर रहे हैं, ये बाजार में देखो तुम सुबह से गोबर बिल्कुल गंदगी फैला रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि इनको जल्दी से जल्दी कहीं इनका भी निवारण हो सके कर दिया जाए। तो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे जो सफाई चल रही है, देखिए यहाँ पे बिल्कुल अपने ही तरीके से इन्होंने एक मजदूर को लगाया है और बिल्कुल कूड़ा इकट्ठा किया जा रहा है इस समय। आप देख सकते हैं नीचे साइड को, हमारे कैमरामैन पूरण सिंह राव जी यहाँ पे बताएंगे, और उस साइड भी उन्होंने जहाँ कूड़ा ज्यादा फेंका हुआ है उसको भी इधर को ला रहे हैं और इकट्ठा करके। सर ये किस में जाएगा? ये हमारे संगलिया बिचला में एक कूड़ा सेंटर सागरी कैंसर सेंटर बनाया गया, उसमें हमारे द्वारा ब्लॉक की गाड़ी द्वारा इसको वहाँ निस्तारण किया जाएगा। निस्तारण कर। अच्छा ये 15 दिन का या बीच बीच में भी जब कूड़ा इकट्ठा हो जाता है? ये प्रोग्राम हमारा निरंतर चलता रहेगा, स्वच्छता के ऊपर। अच्छा यहाँ पे एक बैन भी चलती है, लेकिन वो सिर्फ यहाँ पे कुछ स्लोगन बोल के उस पर टेप रिकॉर्ड चला के सीधे निकल लेती है, लेकिन वो कूड़ा उठाती नहीं। नहीं ऐसा तो हमारे संज्ञान में बिल्कुल नहीं है, गाड़ी निरंतर लगातार ब्लॉक मतलब मेरी मतलब मेरी शिकायत नहीं है जनता की। जी 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 नहीं ऐसा भी हमारे संज्ञान में कुछ नहीं है, निरंतर लगातार हमारे विकासखंड की गाड़ी यहाँ विकासखंड मुख्यालय में लगातार चल रही है। ये भी उन्हीं के द्वारा आज अथक प्रयासों से हमारे द्वारा पूरी सफाई कराई जाएगी और गाड़ी निरंतर क्षेत्र में चलेगी। विकासखंड से सहायक विकास अधिकारी पंचायत इन लोगों के साथ यहाँ पे उपस्थित हूँ। आज हमारे पास 6 वो थे क्या कहते हैं उसके लिए CTU, उसमें हमारे एक शंकरपुर था, खेरखाल था, अदालीखाल था, धुमाकोट था और नैनरण था, एक और था। उनके हम लोग जगह जगह जाकर सफाई कर रहे हैं। और मैं ये सोचता हूँ कि जब हम जागरूक हैं तो सभी जागरूक हैं। और क्योंकि सफाई आजकल सबसे बड़ी समस्या हो रही है कूड़ा, और कूड़े से जो है हमारा वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। अच्छा सर ये बात तो ठीक है, अब मैं जब थोड़ा गांव के स्तर पे आता हूँ। अच्छा गांव में जैसे आजकल सभी को बोल रहे हैं कि गुलदार आ गए, बंदर आ गए, सुअर आ गए या अन्य जानवर आ गए, लेकिन जो लोग हैं वो तो अपने घर के सामने भी सफाई नहीं कर पा रहे, इसका कारण? सबसे बड़ी समस्या है हम ग्राम सभा की बैठक करते हैं, उनको जागरूक करते हैं। अब गुलदार की समस्या वन विभाग से, बंदरों की समस्या भी वन विभाग से, लेकिन हम तो लेकिन गांव वाले इसमें उदासीनता है गांव वालों के, मैं ये कह रहा हूँ उनको क्या कहना चाहोगे संदेश सीधा? सर मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे हम सामने आपके सामने खड़े हैं, जिस तरीके से हम सफाई कर रहे हैं उसी तरीके से वो अपने घर की भी सफाई करें। भाई देखो सबसे पहले हमें अपने घर की सफाई करनी है, तब हम बाहर की सफाई करेंगे। और स्वच्छ शहर बाजार रहे इसके लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह सफाई अभियान देश के कोने कोने और राज्य में चलाया हुआ है, ब्लॉक स्तर पे भी ये कार्य चल रहा है। तो देखते रहिए आप वॉइस ऑफ माउंटेन। जय उत्तराखंड, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। जावा ए जावा।